हेलो फ्रेंड्स, मैं मनी जसगी। मेरा चैनल है मनी डांसर। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब करना ताजो आगे आने वीडियो आपको मिल जाए, ठीक है। और बेल आइकन पर क्लिक करना ताजो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए अगर मैं कोई वीडियो डालता हूँ। तो आज मैं बताने वाला हूँ फुटवर्किंग, ओनली फुटवर्किंग। इसके कुछ स्टेप बताऊंगा जो कि आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो चलो फ्रेंड्स, पहले एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तीन स्टेप है, ओनली तीन स्टेप ही बताऊंगा। चलो फ्रेंड्स, एक बार ऐसे ही बता देता हूँ। ये देखो, लेग्स आपकी, ठीक है,
इस पर पॉप पे गया तो दूसरे पर को जंप करना स्टेप की तरह क्या अब इस पर पीछे रख देना बैक ठीक है फिर इसको अप कर लेना ठीक है फिर जंप फिर बैक इसके साथ ये रखना कि बॉडी का ध्यान रखना है सिर्फ ये नहीं कि कले पैर चलाना है कले पैर नहीं चलाना है इसके साथ हमने बॉडी का ध्यान रखना है जंप मार के जब ये पैर पीछे जाएगा तो इसके साथ बॉडी भी पीछे ठीक है बॉडी बैक देन पैर अप ठीक है जंप पीछे बॉडी भी पीछे पैर अप जंप पीछे एक ही जगह पे रहना है और जंप ठीक है जंप स्लोली स्लोली ठीक है चलो एक बार इसकी प्रैक्टिस करते हैं कैसे करना है सिंपल है पहले आप इतनी लेग्स अपनाया करो सिंपल लेग्स इतनी हल्के आप करके जब मारो फिर छुपा रखो फिर हल्के आप करके जब मारो छुपा रखो उसके बाद आपने लेग्स कम से कम इतनी होनी चाहिए इसके साथ ये लेग्स ऐसे नहीं होनी चाहिए ये लेग्स बाहर होनी चाहिए आउटसाइड ठीक है फ्रेंड्स जंप मारना है पीछे टच करना है फिर उठाना है फिर जंप मारना है फिर टच करना है ठीक है फ्रेंड्स अब हमारे दो स्टेप हो गए हैं आई होप कि ये जो मैं समझा रहा हूँ आपको समझ में आ गया अगर नहीं भी समझ में आया कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हो एक बार इन दोनों स्टेप को एक साथ करते हैं ठीक है तीसरा तो ये तो आसानी था ठीक है फिर भी इसके साथ ही करते हैं ठीक है ओके स्टार्ट वन टू थ्री स्टार्ट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट चेंज लेग्स आगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन चेंज अब पैर आगे वन टू थ्री फोर फाइव इसके साथ हैंड घुमाएंगे सिर्फ वन टू थ्री फोर ये एक जगह को जाए आप प्रॉपर ऑन कर सकते हो या आगे कर सकते हो या पीछे कर सकते हो ठीक है हाथ कैसे घुमाने हैं जैसे बैक स्विमिंग करते हैं ना बैक स्विमिंग मेरी एक वीडियो है जिसमें मैंने फ्री स्टाइल के बारे में बताया तो बैक में बताऊंगा फिलहाल हम डांस के बारे में बता रहा हूँ तो डांस के बारे में बैक स्विमिंग सिंपल हाथ पीछे ठीक है हैंड पीछे पैरों के साथ यही हैंड चलानी है ठीक है फ्रेंड्स ये नहीं कि आप हैंड चलाओ फिर यहाँ से नीचे करो हैंड चलाओ यहाँ से नीचे करो नहीं हाथ प्रॉपर पीछे जाने चाहिए ठीक है अब पैरों के साथ हाथ कैसे करने देन ये आगे के पूछ घूम के आए ठीक है दूसरा आगे के पीछे घूम के आए देन ठीक है फ्रेंड्स ये हाथ ठीक है अब जो पहले स्टेप किया इसके साथ ये हाथ कैसे जाने सिंपल बींग्स जैसे मुर्गा मुर्गा पर मारता ना वो जैसे पंछी पर मारता है ऐसे ठीक है जैसे वो ऐसे मारेंगे बस इसको फोल्ड कर लो और मारने कैसे है ठीक है मैंने अब इसको और अच्छा करने के लिए क्या करना है हैंड को राउंड इन साइड से निकालना है इन साइड से निकालना है अब मैं पीछे से आगे आता हूँ देखो थ्री वन टू थ्री फोर एक तो ये और दूसरा ये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ये अब जैसे मर्जी हाथ चला सकते हो उसका कोई मैटर नहीं ठीक है बिना हाथों के भी चला सकते हो अब आते हैं हम चौथे स्टेप पे ठीक है फ्रेंड्स अब देखो क्या करना है इसमें तो हम आगे जा रहे हैं पर अब हमने पीछे आए हैं पर पीछे हमने एक ही जंप भी नहीं आना छोटे छोटे जंप लेने हैं वन टू थ्री फोर आगे रख के पिछले वाले को आगे ले जाना है फिर वन टू थ्री फोर ठीक है फिर आगे रखना है फिर वन टू थ्री फोर छोटे छोटे जंप मारने हैं ठीक है जैसे इसको आप किए वन टू थ्री फोर आगे रख दिया वन टू थ्री फोर आगे रख दिया वन टू थ्री फोर आगे रख दिया अब ये फास्ट कैसे करना है ठीक है इसके साथ हैंड रखिए आप वॉक बॉल भी चला सकते हो ठीक है ये देखो ठीक है फ्रेंड्स तो ये थे मेरे चार स्टेप पहला ठीक है दूसरा ठीक है फ्रेंड्स तीसरा ये वाला ठीक है और चौथा ये वाला ठीक है ओके फ्रेंड्स आई होप कि आपको सारे स्टेप समझ में आ गए होंगे एक बार म्यूजिक पे करते हैं चलो कि ये चीज़ कैसे होनी है कैसे नहीं होनी मेरी एक और वीडियो है जिसमें मैंने भंगड़ा बताया हुआ है ठीक है एक वीडियो मैं डालूंगा कुछ टाइम के बाद जिसमें मैं जो बेसिक
चार स्टेप आपको पांच स्टेप समझ में आ गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं एक चीज और बताता हूँ, इसको जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतने क्लीन और शार्प होते जाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या करना है कि अब जैसे कि मैंने ये चीज के लिए नी के लिए बैंड बताया, अगर आपकी एक साथ प्रैक्टिस नहीं होती तो क्या कर सकते हो आप, नी अलग से कर सकते हो और ये फुटवर्क अलग से कर सकते हो। ठीक है, जब नी का आपको पता लग जाएगा हमने नी बैंड करने तो इससे आपकी फुटवर्किंग और सुधर जाएगी। और जैसे कि ये मैंने स्टेप बताया, इसके साथ ही मून वॉक होती है। ठीक है, जैसे कि ये हम वापस लेके जा रहे हैं ना, मून वॉक में थोड़ा सा फर्क होता है, बस ज्यादा फर्क नहीं होता। अगली वीडियो में कोशिश करूंगा कि मैं मून वॉक की वीडियो बनाऊं। अगर आप चाहते हो कि मैं मून वॉक आपको सिखाऊं तो प्लीज मुझे कमेंट में बताएं कि हाँ भैया हमें मून वॉक सीखनी है, उस पर वीडियो बनाओ, तो मैं सैड मून वॉक और सिंपल जो बैक मून वॉक होती है वो आपको बताऊंगा, जो कि एमजे की सर की है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ भी पूछना है तो मुझे आप पूछ सकते हो कमेंट के थ्रू। ठीक है, और सोच के रही कि ये जो मैं करा रहा हूँ ये वेस्टर्न, ऑलमोस्ट वेस्टर्न में ही चलता है, ये जो फुटवर्किंग मैं करा रहा हूँ ये वेस्टर्न में ही चलती है। मैंने स्टार्टिंग में एक फुटवर्किंग और बताई थी, जैसे ये वाली फुटवर्किंग बताई थी, इसको मैं बता ही देता हूँ कि आपने कैसे ये करनी है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना, आपने टो आउट लेके गए, ठीक है, और हील और इन लेके जाना है। ठीक है फ्रेंड्स, हील टो एक साथ, पहले आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो फिर आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, अगर एक साइड आ गई तो दूसरी ऑटोमेटिक आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को मनी डांसर, और बेल आइकन पर क्लिक करें।